हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का जिज्ञासा ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का प्रोज का छठा और अंतिम चैप्टर। हमारे जो चैप्टर का नेम है रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। अभी तक आपने देखा कि हमें जो ऑर्थर है इस पार्ट के, जिनका नाम नहीं दिया गया है, वो हमें बताना चाहते हैं कि वाकई हमारे जीवन में कुछ नियम हैं जिनका हमें बहुत ही नितांत आवश्यक है उनका पालन करने का, और यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं। और उन्हीं नियमों में से एक नियम है सड़क का नियम, जिनका हमें बहुत ही पालन करना बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है। अगर हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम जल्दी या देर से, आज नहीं तो कल, दुर्घटना के शिकार होंगे, और मे बी शायद हो सकता है कि हमारी वजह से किसी और की भी दुर्घटना हो। तो लेखक हमें बताते हैं कि हमें हमेशा बाईं तरफ से, हमारे इंडिया में जो नियम है कि हम कोई भी वाहन लेके चलें, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम बाईं तरफ से चलें, और दाहिने तरफ का आधा जो सड़क का हिस्सा है वो विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों के लिए छोड़ दें। तो इन्हीं क्रम में आगे बताते हैं कि अपने एक शहरों में गोलदार चक्कर देखे होंगे, जहाँ पर ढेर सारी सड़कें आकर मिलती हैं, जहाँ से अलग अलग दिशाओं से सड़कें आती हैं, तो वहाँ पे हम कैसे क्रॉस करते हैं। तो बताते हैं कि यदि हम राइट साइड से, यानी दाहिनी तरफ से अपने वाहन से आ रहे हैं, तो बाईं तरफ से आने वाले वाहनों को हमेशा दाहिनी तरफ से ही घूमकर आना होगा। तो ये कुछ नियम थे। तो आइए हम देखते हैं, पढ़ेंगे आज हमारा चौथे पैरा से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं, और आप जैसा हमें कमेंट करके भी बताते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास नाइन्थ के प्रोज का छठा चैप्टर का अंतिम पैरा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। कह रहा है यहां पर सड़क के वो नियम है, कह रहा है देयर आर रूल्स अबाउट राइट वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। कह रहे हैं जहाँ सड़क एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर सड़क एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर सड़क को पार करने के लिए सही नियम है। देयर इज यूजली अ राउंड अबाउट एट दीज प्लेसेस। कह रहे हैं कि इन स्थानों पर एक गोलदार चक्कर होता है। कह रहा है कि जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर शहरों में आप देखे होंगे कि बीच में छोटा सा गोलदार बना देते हैं, उसमें किसी का प्रतिमा खड़ा कर दिया। अगर नहीं कुछ है तो किसी न किसी तरह से वहाँ कुछ रहता है, और उस जगह से हम लेफ्ट राइट, मतलब एवरी डायरेक्शन में रूट सड़कें जाती हैं, तो वहाँ पर अगर हमें क्रॉस करना होता है तो उन जगहों पर उस किस तरह से सड़क क्रॉस करना है, किस तरह से सड़क को पार करना है, वही बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, करा है देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। करा है कि जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर के लिए उनके बारे में लगभग सही नियम ये है। There is usually a roundabout at these places. इन स्थानों पर लगभग एक गोलदार घुमादार चक्कर होता है। आगे देखिए, कह रहा है द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैज राइट ऑफ वे ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। कह रहा है कि द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट,
करा है कि द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैज राइट ऑफ वे ओवर द कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। करा है कि वाहन दाई ओर से आ रहा है। करा है कि द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट, करा है कि जो वाहन दाई तरफ से आ रहा है, राइट ऑफ वे ओवर द कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। करा है कि बाई ओर से आने वाले रास्ते पर दाई ओर है। करा है कि जो सड़क वाहन दाई तरफ से आ रहा है, वह बाई तरफ से आने वाले वाहन, करा है कि बाई तरफ से आने वाले रास्ते पर दाई ओर है। इफ एवरी ड्राइवर फॉलोज दीज रूल, ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइट स्मूथली एंड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। करा है कि प्रत्येक चालक, करा है एवरी ड्राइवर, करा है कि यदि प्रत्येक चालक इन यातायात के नियमों का घुमावदार पर या गोलदार चक्कर पर इन नियमों का पालन करेगा, तो करा है कि ट्रैफिक विल फ्लो क्वाइट स्मूथली एंड एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। तो जो यातायात है वो बिल्कुल आसानी से, शांति से, क्वाइटली मतलब आराम से, स्मूथली पास होगा, यानी ट्रैफिक नहीं लगेगा और दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। करा है कि यदि प्रत्येक जो चालक है कि जो गोलदार चक्कर है, जो राइट तरफ से आ रहा है, बाईं ओर से आने वाला वाहन दाईं ओर से जाएगा, यानी जो वाहन दाईं ओर से आ रहा है वह बाईं ओर से, जो बाईं ओर से ऐसे घूम के उसको क्रॉस करना होता है। हम ऐसे ही कहीं शॉर्टकट लेके उसमें घुस नहीं सकते हैं। और आप जब से उस गोलदार चक्कर पे आप गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, उसी इंट्रक्शन में आपको फ्लो करना होता है। तो वही कह रहा है कि यदि प्रत्येक चालक इन नियमों का पालन करेगा तो यातायात का जो ट्रैफिक है, भीड़ है, वो नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं लगेगा और दुर्घटनाओं को हम रोक सकेंगे। आगे देखिए, कह रहा है ड्राइवर ऑफ व्हीकल शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल। कह रहा है कि वाहन के चालकों को कभी भी सही संकेत देने में असफल नहीं होना चाहिए। वाहनों के चालकों को कभी भी सही संकेत देने में असफल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग। करा है क्योंकि अन्यथा यह करा है कि बहुत बड़े दुर्घटना का कारण हो सकता है, या बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट। करा है कि दाएं या बाएं मुड़ने का, आर स्लोइंग डाउन एंड फॉर स्टॉपिंग एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल ओवरटेक यूर्स। करा है कि दाएं या बाएं मुड़ने का, नीचे दिखाने का और करा है स्टॉपिंग और रोकने का, फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल ओवरटेक यूर्स, और दूसरे वाहन को खुद से आगे निकल जाने का एक नियम होता है। करा है कि दाएं या बाएं मुड़ने का, नीचे देखने का और वाहन रोकने का, और किसी भी दूसरे वाहन को खुद से ओवरटेक करने का, यानी आगे निकल जाने का एक नियम होता है, एक संकेत होता है। साइक्लिस्ट आर ऑफ्टन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल्स। जो साइकिल सवार होते हैं वो प्रायः संकेत देने में लापरवाही करते हैं। थिंकिंग दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये जो नियम है वे केवल मोटरिस्ट यानी मोटरसाइकिल वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है। बट आल रोड यूजर्स, साइक्लिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट, ought टू हैव द राइट सिग्नल सो दैट अदर्स ऑन द रोड मे बी वॉर्न्ड। कह रहा है कि बट रोड ऑल रोड यूजर, लेकिन सड़क का उपयोग करने वाले सभी
उपयोगकर्ताओं को साइक्लिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट करा है, साइकिल सवारों को जितना मोटरसाइकिल वालों को लिए है उतना ही साइकिल सवारों के लिए, यानी साइकिल सवारों के साथ साथ मोटर चालकों के लिए भी। और टू हैव द राइट सिग्नल करा है कि उन्हें सही संकेत देना अवश्य चाहिए, सो दैट अदर ऑन द रोड मे बी वॉन्ट, ताकि सो दैट माने ताकि सड़क पर दूसरे जो व्यक्ति है वो सावधान हो सके। Pedestrian too should have a knowledge of these signals. पदयात्रियों को, पैदल चलने वालों को भी इन संकेतों का ज्ञान होना चाहिए, so that they may be able to tell which way the vehicle on the road are going to pass. ताकि वे यह बताने के योग्य हो सकें या समझ सकें कि जो वाहन है वो सड़क पर किस तरफ से गुजरने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए आगे देखिए, थोड़ा सा हमारा बचा है, कह रहा है एबब आल एवरी वन यूजिंग द पब्लिक रोड और टू ओबे द पुलिस मैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, कह रहा है कि एबब आल यानी उपरोक्त आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पढ़ा, एवरी वन यूजिंग द पब्लिक रोड और टू ओबे द पुलिस मैन ऑन द ट्रैफिक ड्यूटी, उसका सारांश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो पब्लिक रोड यानी जनसाधारण सड़क का उपयोग कर रहा है उन्हें ट्रैफिक ड्यूटी यानी ट्रैफिक में लगे पुलिस वाले की नियमों का, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑल, क्योंकि यह सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जस्ट इमेजिन वॉट वुड हैपन इन अ बिजी स्ट्रीट फिल्ड विथ पेडेस्ट्रियन एंड स्पीडिंग व्हीकल्स। जस्ट इमेजिन, केवल कल्पना कीजिए क्या होगा जब एक भीड़ भाड़ वाली गली में पदयात्रियों से और स्पीडिंग व्हीकल, स्पीडिंग माने क्या होगा, तेज गति वाली, ठीक है, तेज रफ्तार से चलने वाली वाहनों से भर जाए। क्या, केवल कल्पना कीजिए क्या होगा जब एक भीड़ भाड़ वाली गली पदयात्रियों और तेज रफ्तार से चलने वाली वाहनों से भर जाए। इफ देयर वाज नो पुलिस ऑन ड्यूटी, यदि वहां पर कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी पर ना हो, यू विल क्विकली रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिस मैन इज, आप जल्द ही महसूस करोगे कि पुलिस वाले की जो ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी करते हैं उस पुलिस वाले का महत्वपूर्ण किरदार क्या है या इतना जरूरी क्यों है। एंड देन यू विल ऑलवेज ओबे हिम, और तब तुम हमेशा उस पुलिस वाले व्यक्ति की यानी को जिस किसी भी सड़क पर जो भी ड्यूटी लगा है पुलिस वाले की उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। एंड नेवर बी एंग्री विथ हिम, और उससे कभी क्रोधित नहीं होगे, इवन व्हेन यू थिंक ही इज रॉन्ग एंड यू आर राइट, और यहाँ तक कि चाहे तुम सोचो कि मैं सही हूँ और वह गलत हो, फिर भी तुम्हें उस पुलिस वाले व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आएगा। तो वाकई हमारे जीवन के लिए ये जो यातायात के नियम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वाकई कई बार हम जब भीड़ में खड़े होते हैं और ट्रैफिक पुलिस में वो सिग्नल देता जाता है और हमें काफ़ी टाइम से वहाँ पे खड़े हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है कि वो गलत कर रहा है, उसे इधर का मतलब ऐसे पास करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो लेकिन जब हम ये बात कल्पना कर लें कि हम बस इमेजिन करें सड़क पर बहुत सारे पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं और कोई पुलिस वाला नहीं है जिस और तेज रफ्तार से वाहनें चल रही हैं, तो आप सोच के देखो क्या होगा, बहुत एक्सीडेंट्स होंगे। तो जब हम ये बात अपने दिलों में विचारते हैं, सोचते हैं, तो हमें रियलाइज होगा और तब हम उस व्यक्ति से गुस्सा नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप हमेशा सड़क के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी सिखाएं जिन्हें नहीं पता है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बी केयरफुल, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो सुरक्षित रहिए और आशीषित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।